हेलो गाइस, वेलकम टू नाइट राइडर ब्रजेश। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यामा का MT-15, जो कि एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। तो पहले मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगा, उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। तो इसका इंजन BS6 इंजन 155 सीसी का है, जो कि लिक्विड कूल है और 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व वाला इंजन है। 10,000 आरपीएम पर ये 18.5 पीएस पावर जनरेट कर सकता है एंड इट कैन मैक्सिमम टॉर्क 13.9 न्यूटन मीटर एट 8500 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। 13.9 न्यूटन मीटर, इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन दिया गया है। वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन क्या होता है? तो इसमें दो तरह के इंटेक वॉल्व होते हैं, एक लो आरपीएम पर काम करते हैं और दूसरा हाई आरपीएम पे। तो इससे होता क्या है कि आपको लो आरपीएम पर भी अच्छी पावर मिलती है और जैसे ही इंजन का आरपीएम हाई आरपीएम पर पहुंचता है तो दूसरा वॉल्व स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको माइलेज में भी मदद करता है और पावर में भी। तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे MT-15 का लोगो मिल जाता है। ये बजाज का लोगो आपको टैंक में मिल जाता है, ये ABS का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाता है और ये है MT का लोगो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है। पीछे आते हुए यहाँ पे आपको रियर ब्रेक मिल जाते हैं। रियर पेडस्टल, ये आपका एग्जॉस्ट है। ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको ABS डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि 220 मिलीमीटर का डिस्क है। टायर की बात करें तो 140 मिलीमीटर का सुपर वाइड रेडियल रियर टायर मिल जाता है आपको विथ एक्स्ट्रा ग्रिप एट द कॉर्नर। ये आपका मिड गार्ड है। अब टेल सेक्शन की तरफ आते हैं, तो आप सब देख ही सकते हैं कि टेल सेक्शन जो है वो काफ़ी छोटा है, हेडगार्ड काफ़ी बाहर निकला हुआ है पर सीट काफ़ी छोटी है। आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं और नंबर प्लेट माउंटेड यहाँ पे होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ये हैंडल ग्रैब हैंडल बार मिल जाते हैं, जो कि पीछे बैठने वालों के लिए एक पकड़ने की जगह है। इसमें यूनी लेवल सीट है, यानी सीट जो है वो स्प्लिट सीट नहीं है, एक ही सीट है, यूनी लेवल है। पीछे बैठने वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे आते हैं तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि एक नीचे और बाकी सारे ऊपर हैं। यहाँ पे आपको अगेन यामाहा का लोगो मिल जाता है और ये रेड कलर का स्टिकर आपको टैंक में मिल जाता है। यहाँ पे अगेन आपको MT15 का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे ABS का लोगो और यहाँ पे MT का लोगो। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं फ्रंट सेक्शन की तरफ। सबसे पहले इसकी हेडलाइट्स की बात करते हैं, तो इसका लुक, हेडलाइट का लुक देखकर ही आपको पता चल जाता है कि एक बीस्ट है। यहाँ दोस्तों बीस्ट लाइक डिजाइन है इसका हेडलाइट का। तो हेडलाइट की बात करें तो इसमें बाय फंक्शनल LED हेडलाइट दिए गए हैं। इट लुक्स लाइक अ बीस्ट। अब बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक। तो ये फ्रंट ABS ब्रेक है जो कि 282 मिलीमीटर का ब्रेक है, डिस्क दिया गया है। तो अब इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करते हैं। तो जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे ये आपको हाई बडी कहेगा, उसके बाद ये आपको शो करेगा न्यूट्रल, इंजन सर्विसिंग बटन, ABS इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, स्पीड, RPM, ट्रिप मीटर, फ्यूल मीटर एंड फ्यूल कंजम्पशन मीटर। इसका की लॉक एक यूनिक स्टाइल है, की लॉक इसका टैंक के आगे में ही दिया गया है, ये रहा की लॉक। ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात। इसमें आपको क्लॉक भी मिलता है, ये नहीं भूलना चाहिए, क्लॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके लेफ्ट हैंडल बार की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अब लो बीम एंड हाई बीम का बटन मिलता है। लो बीम में अगेन आपको पास बटन मिलता है, अलग से पास का बटन नहीं है। हॉर्न का बटन मिलता है, ये हॉर्न है। इंडिकेटर का बटन मिलता है, मिडिल प्रेस करने पर ये न्यूट्रल हो जाता है। राइट हैंडल की बार की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑयल टैंक मिल जाता है। लेफ्ट हैंडल आपका क्लच जो है, इसमें क्लच दिया गया है असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, जो कि यामाहा R15 V3 में दिया गया है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मैंने उसमें आप डिटेल से बताया है कि असिस्ट एंड स्लीपर क्लच कैसे काम करता है। तो आपको साइड स्टैंड में एक खासियत मुझे नज़र आई कि साइड स्टैंड मारे बिना ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ स्विच दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी न्यूट्रल, गाड़ी अभी न्यूट्रल में है, इंडिकेट कर रहा है अभी गाड़ी न्यूट्रल में है। मैंने सेल्फ मारा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं सेल्फ मारा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और जैसे ही मैं साइड स्टैंड को ऊपर करता हूँ, साइड स्टैंड को जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। ये गाड़ी की आवाज है। तो गाइस इसकी ब्यूटी की बात करें तो टैंक में आपको रेड कलर का स्टिकर मिलता है, इसी से मैच करता हुआ आपको व्हील रिम्स मिल जाते हैं, दोनों रिम्स यही कलर में है, ऑरेंज कलर में, जो कि काफी खूबसूरत देखने में लगते हैं। सो गाइस इसकी टोटल वेट की बात करें तो ये 138 kg की है। इसका टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है, जो कि
40 से 50 की माइलेज लेने पर आराम से 450 की रेंज दे देती है। एक बार फुल करने पर ये आप 450 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये 3 कलर में इंडिया में लॉन्च हुई है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट, सुपर वर्मिनो। ये सुपर वर्मिनो है जो कि एक इंटरनेशनल कलर है। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 165,500 रुपीज़ है। लोकेशन वाइज ये प्राइस वैरी कर सकती है, मैं आपको गिरिडीह की प्राइस बता रहा हूँ। और स्पेशल थैंक्स तो शिव शक्ति मोटो जिन्होंने ये वीडियो शूट करने की परमिशन दी। सो गाइस, ये थी यामा की MT-15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।